सर, अभी अभी आपने कहा कि उस आदमी की जमानत हुई है, आप प्लीज उस आदमी का नाम बता सकते हैं जिसने जमानत की है? एक मिनट, अजीत लोखंडे, अजीत लोखंडे नाम है उसका। मेरी बात मान, इस झमेले में मत पड़। जख्म को रेत कर नासूर बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुझे अर्चना से बदला लेना था, तूने ले लिया। उसकी बहुत सारी बदनामी हो गई, उसे बुरा सा बुरा ससुराल मिल गया। बस हमें और क्या चाहिए, अब वो और उसका नसीब। बात को समझने की कोशिश, तो तुम हो वो। कितनी घिनौनी हरकत, वो भी अपनी बहन के ननद के साथ। तुम्हें एहसास है कि तुम्हारी वजह से क्या कुछ सहा है उसने? कितने दिन रोई है वो, कितने दिन और कितनी रातें लोगों के ताने सुनते रही है वो। कोई बात नहीं, मैं एहसास दिलाऊंगा तुम्हें। शादी के दिन से आज तक एक रात भी मैं चैन से सो नहीं पाया, क्योंकि मुझे तेरी तलाश थी। मैं अर्चना के घर वालों के सामने तेरा असली चेहरा ला कर रहूंगा, तू देख। अजीत को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, यह तो तय है, लेकिन मैं डायरेक्टली पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि इस मसले के साथ अर्चना और उसका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, और बदकिस्मती से अजीत भी उसी परिवार का एक हिस्सा है। जब उन्हें अजीत की करतूत पता चलेगी, उन सभी के लिए बहुत 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 बड़ा सदमा होगा। इसलिए मुझे पहले अर्चना और उसके मायके वालों से बात करनी होगी। एक बार उनकी हाँ मिल जाए, फिर मैं उस अजीत को दूँ। ये लड्डू मैंने सत्यनारायण की पूजा के लिए बनाए हैं। शाम को जाते वक्त ये लड्डू साथ में लेकर जाने हैं, तो मुझे याद दिला देना। हाँ भाई, तथा आपके लिए चाय। एक मिनट आती हूँ। ये काम के चक्कर में ना मैं भूल जाती हूँ। तू भूल नहीं जाएगा ना, नहीं तो तू मंजूषा को बता देना। भाई अपनी आई के यहाँ गई है, वो सविता जी ने उन्हें भी बुलाया ना। आई आई आई, ये सत्यनारायण की पूजा आज ही होनी थी। हाय, मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही है वहां उस मानव के घर जाने की। वहां अगर उसने उल्टा सीधा कुछ भी बोल दिया ना, तो मेरा क्या होगा आई? हम वहां जरूर जाएंगे आई। अजीत, मुझे भी वहां जाकर एक महापूजा करनी है। किसकी? ये आप दोनों खुद आकर अपनी आंखों से देख लेना। अरे श्रावणी, चप्पल उधर उतार, चप्पल उधर। शाबाश, आजा बेटा, बहुत अच्छा है रे तेरा ड्रेस। थैंक्स काकी। अरे वंदु, हाय। इधर आना, श्रावणी आई है, श्रावणी के लिए कोकम शरबत लेके आना। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए काकी, वो कहाँ पूजा की तैयारियों में से निकलकर ये सब करेंगी। अरे तैयारी तो होती रहेगी बेटा, लेकिन अपनों को अनदेखा नहीं किया जाता। हेलो, कहाँ हो तुम? यही चोल में हूँ साहब, बस आपके इशारे का इंतजार कर रहा था। देख शंकर, सही वक्त आ गया है, लग जा अपने काम पर। याद रखना, बस एक ही वार में दो टुकड़े होने चाहिए। समझ गया साहब। गुड लक।